हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर थ्री के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं और ये चैप्टर सर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देखिए एसएम के सारे चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली सेवन मार्क्स के आते हैं ये चैप्टर भी सेवन मार्क्स का आता है लेकिन इसमें से कभी कभी क्या मतलब मुझे लग रहा है कि हर बार आई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कैसे क्वेश्चन पूछता है केस बेस्ड क्वेश्चन तो आइए देखते हैं ये सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओके द बुक आई एम यूजिंग ए संजीवनी बूटी ये बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए इन केस आपने परचेज कर रखी है वेल एंड गुड इन केस यू वॉन्ट इट मैं इसका लिंक आपको जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे अवेलेबल है राइट right. और जो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच अटेंड कर चुके हैं वो भी सर आराम से इस वीडियो को देखिए आपको काफ़ी अच्छा एक रिविजनरी वीडियो टाइप एक ओवरव्यू वीडियो टाइप जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपने फास्ट ट्रैक बैच में वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा राइट तो हर तरह के स्टूडेंट चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं चाहे आप बुक से नहीं पढ़ रहे हैं चाहे आपने बैच अटेंड किया है चाहे आपने बैच अटेंड नहीं किया है जस्ट वॉच इट एंड येस साथ बने रहिएगा आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है नाम है इस चैप्टर का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस लगभग मैं अगर मैं इनफॉर्मली बोलूं तो आई हैव टेकन मोर देन 50 बैचेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर और उन एक्सपीरियंसेस से मैं आपको जो सीख पाए वो बताने की कोशिश करूंगा सी अगर हम मोटे मोटे इस चैप्टर को बांटना चाहें तो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला जो पार्ट होगा मान लीजिए सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिसन सिचुएशन एनालिसिस इंडस्ट्री एंड कॉम्पटेटिव एनालिसिस देन वी हैव शॉर्ट एनालिसिस उसके बाद टाउस एनालिसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस ये ही छः पार्ट हैं इस चैप्टर के फिर इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं चलिए मैं आपको इसको डिवीजन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये डिवाइड होगा सो so, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में सर हमारे पास आ जाएगा एक तो मीनिंग एंड देन इशूज टू बी कंसिडर्ड देन हमारे पास आता है सर सिचुएशनल एनालिसिस इसका भी मीनिंग एंड इशूज़ टू बी कंसिडर्ड देन हमारे पास आता है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस इसके अंदर सर छोटा सा मीनिंग और उसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं वो तो लगभग छः सात फैक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फैक्टर्स आर देयर राइट सात में से आप लोगों को सर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जैसे डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स सर ये डोमिनट इकोनॉमिक फीचर्स ज़रूर पढ़िएगा फिर एक आता है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन ये आप चैप्टर वन के साथ कवर कर सकते हैं कॉम्पिटिशन जहाँ पे चैप्टर वन में बहुत अच्छे से बता रखा है देन हमारे पास आता है ट्रिगर्स ऑफ चेंज वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करके जाना है कि सक्सेस फैक्टर सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट ले लीजिए सर वन टू थ्री इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस है आपके एग्जाम में बड़े वाला देन एक लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल्स आप वो टॉपिक देख के समझ जाएंगे इसमें से नहीं आने वाला आ भी गया तो उसमें चैप्टर वन के कॉम्पिटिशन की बात ही लिख के आनी पड़ेगी एंड फाइनली जो आखिरी है वो है प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस सो प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस सर ये डिपेंड करता है इन ही सिक्स पे तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिव एनालिसिस पे अगर आप ये तीन पढ़ लें फोर्थ को सर मैंने आपको सिखाया था कैसे पढ़ना है बेसिक आइडिया होना चाहिए मार्केट साइज बाय नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ़ सेलर्स कॉम्पटेटिव राइवलरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये सारे के सारे यहाँ पर डोमिनेट इकोनॉमिक फीचर्स में कवर होंगे और ये बहुत ज़्यादा आसान है सो तो इस पर अपनी मेमोरी वगैरह ज़्यादा वेस्ट ना करें बस दो तीन रीडिंग दे हो जाएगा ओके okay. ये तो हमारे दो टॉपिक हो गए जब हम सॉरी तीन टॉपिक हो गए हमारे पास कौन कौन से आइए जरा देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सिचुएशन एनालिसिस इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिव एनालिसिस निकला यहीं से है जब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मीनिंग पढ़ेंगे तो वहीं पर लिखा था इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस अच्छा जी नाउ मूविंग फर्दर इस चैप्टर के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अब हमारे पास एक टॉपिक शुरू होने वाला है पो शॉट सर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था अब इतना ज़्यादा इसमें से नहीं आता है बहुत आसान है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस दैट्स इट। देन हमारे पास आता है टाउज टाउज में सब मीनिंग एंड इसकी इम्प्रूवमेंट्स ओवर शॉर्ट इम्प्रूवमेंट ओवर शॉर्ट आप अगर मेरी बुक देखेंगे तो मैंने अपनी बुक में क्या कर रखा है कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे मुझसे हुआ मैंने कुछ एडिशंस किए हैं सो so दैट के आप लोगों को बहुत सारे इससे वैल्यू मिल पाए फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैंने बताया था सो यू कैन स्टडी दिस फ्रॉम ये चार्ट जो मैंने बनाया है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा की वर्ड्स भी मैंने काफ़ी हद तक इसमें हाईलाइट कर दिए हैं कि जो आपको याद रहे अब जैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एक टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर इसमें सबसे पहले देखिए तीन क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें तीन क्वेश्चन कैसे बनेंगे नंबर वन मीनिंग राइट right. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है देन उसके बाद बनता है व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजिक ग्रुप दो नंबर का क्वेश्चन है सर बच्चे जब ये आ जाता है ना तो बच्चे करके नहीं आ पाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर राइट right. अच्छा कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे आप ये बार बार वीडियो में सर सर क्यों बोलते हो ओके सर इट्स माई हैबिट सर टू से सर ओके सर चलिए सर आइए नाउ अच्छा जी अब हमारे पास है स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में हमने सबसे पहले देखा कि सर हमारे पास मीनिंग है और सेकंड जो है वो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या होता है तो ये चीज़ें रट के जाने हैं चलो मैं आपको पढ़ाई देता हूँ ऐसा राइवल ग्रुप ऐसा ग्रुप ऑफ राइवल्स ऐसा ग्रुप ऑफ कॉम्पटेटिव फर्म्स जिनकी कॉम्पटेटिव अप्रोच और कॉम्पटिव पोजिशन सेम है मेरे साथ बोले जिनकी कॉम्पटेटिव अप्रोच और कॉम्पटेटिव पोजिशन क्या है सेम सो अ ग्रुप ऑफ राइवल फर्म्स हैविंग सेम कॉम्पिटेटिव अप्रोच एंड सेम पोजिशन इन द मार्केट एंड दे रिसम्बल टू ईच अदर इन सेवरल वेज इतना छोटा सा आंसर है दो नंबर का आता है आप लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता राइट right? सो so, ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया एंड बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो और भी इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकल हो जाता थोड़ा सा वो है प्रोसीजर सी आपने करना क्या है अगर आपके पास इस सम है तो सिंपली स्पीकिंग आप पहले तो सर इसको तीन पार्ट में बांट दीजिए पार्ट वन पार्ट टू एंड प्रोसीजर वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास पार्ट थ्री राइट फिर आपने देखो मैंने यहां पे कुछ की वर्ड्स मार्क कर रखे हैं जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं आई आर देन कंपेयरिंग ठीक है टेक्निक सो so ये चार वर्ड्स इन चार वर्ड्स को पकड़ लीजिए इट्स अ टेक्निक इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग इट इज़ यूज फॉर रिवीलिंग इट इज इस यूज फॉर कंपेयरिंग सो टेक्निक यूज फॉर इंडस्ट्री एंड कॉम्पेटेटिव एनालिसिस राइट right? identifying कंपनीज that आर इन strongest एंड वीकेस्ट position revealing द competitive पोजिशन एंड कंपेयरिंग द मार्केट position अब ये आपको चार फ्रेजेस याद रहने चाहिए सर स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग के सो टेक्निक फॉर एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर समझा नहीं दिया जस्ट आपको इंग्लिश में जो इीड करके दिखा रहा हूँ दैट सेट अंडरस्टैंडिंग के लिए सब मतलब समझाने के लिए काफी सारा टाइम चाहिए होगा ओके टेक्नीक फॉर इंडस्ट्री एंड कॉम्परेटिव एनलिसिस

अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन हाउ टू आइडेंटिफाई के एस एफ जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद पिछली बार या उससे पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई के एस एफ आसान क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ तीन पॉइंट्स इसके अंदर बनते हैं स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ फिर तुक्के मार के आ रहे होते हैं देखिए मैं आपको भी कवर कर देता हूँ के एस एफ कैसे आइडेंटिफाई करें सर आपने सिर्फ ये देखना है कस्टमर किस बेसिस पर सिलेक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल आप जब कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप किस बेसिस पर ज्वाइन करते हो आप देखते हो सर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कैसी है यानी रेफरेंस कैसे मिल रहे हैं राइट right. सर आप देखते हो सर फ़ीस कितनी है फीस बहुत कम बच्चे देखते हैं बट फिर भी आप देखते हो नोट्स कैसे हैं पास्ट रिजल्ट कैसा है सर एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो आप इन बेसिस पे अपना आ, कोचिंग टीचर सेलेक्ट कर दें तो ये के एस एफ हो सकते हैं सर नोट्स के एस एफ हो सकते हैं देन व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इज क्रूशियल हमें बुक बनाने बैठा तो मुझे लगा एक बुक के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसे देख के स्टूडेंट परचेज करेगा तो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स भी के एस एफ होती हैं और कॉम्पीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए मेरे साथ कॉम्पीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इट तो अगर आप इन तीन बातों का आंसर देंगे ए कस्टमर किस बेस पे सेलेक्ट करता है बी प्रोडक्ट्स में क्या एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट ज़रूरी है एंड सी कॉम्पीट करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए ओके okay. तो सर आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते थे अगेन के के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है ओके okay. ऐसी शॉर्ट एनालिसिस की बात कर रहा था शॉर्ट एनालिसिस में सर हमारे पास सबसे पहले मीनिंग आता है और फिर उसका सिग्निफिकेंस आता है सिग्निफिकेंस वगैरह सब यहाँ पे है एक छोटा सा मैट्रिक्स है ये सब अब मतलब बहुत ज़्यादा पुराने टॉपिक हो चुके हैं पहले इसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे बट अब ओके ओके टाइप इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया आ गया नहीं आया नहीं आया बट करके जरूर जाइएगा ओके मैं जो बात आपको दिखा रहा था मैंने टाउस मैट्रिक्स में, में क्या किया है फॉर एग्जाम्पल ये टाउज के चार पॉइंट है तो मैंने क्या किया सर इन चारों में से सर इनको ये देखिए एक एक पॉइंट का शॉर्ट से कंपैरिजन करके ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया है तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट और टाउस भी आप लोग तैयार कर सकते हैं यहीं से आइए देन मूविंग फर्दर बच्चों हमारे पास जब एक बार शॉट आउट हाउस हो जाएंगे हमारे पास तब जाके आएगा एक और टॉपिक और वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस का पहले ज़रा ओवरव्यू ले लीजिए कि पोर्टफोलियो एनालिसिस को पढ़ना कैसे अपने आप में मान लीजिए एक अलग से चैप्टर मान लीजिए इसको अलग से टॉपिक मान लीजिए वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक वाली चीज़ों से आई सो पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले क्या होगा आपको बोला जाएगा सर इस इसका मीनिंग पढ़िए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स राइट सो मीनिंग देन हम इसके पढ़ेंगे सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देन हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास तीन आ जाएंगे सबसे पहले एस बी यू मोस्ट इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपीरियंस कब ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस कर्व सबसे ज्यादा टेक्निकल है एस बी यू पी एल सी सेकेंड नंबर पर और एस बी यू थर्ड नंबर पर और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ऐसे समय फेल क्यों होते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग वो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज लिख के आते हैं बिल्कुल देसी तरीके से पेपर करके आते हैं कुछ वो ना अपनी जनरल नॉलेज के बेस पर पे पेपर करके आते हैं और जनरल नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक ही हो आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें पता भी अब जैसे पी एल सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन आपने देना है तो सर शुरू करना है कैसे सर इट्स आ हाँ एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज सुन लीजिए कैसे शुरू करना है सर इट्स अ एस शेप्ड कर्व विच टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द टाइम इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग द स्टेज इन विच अवर प्रोडक्ट और द बिजनेस एग्जिस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन टेक अ वेल डिसीजन वी कैन टेक अ वेल थॉट डिसीजन ये आप देखिएगा आई से स्टडी मेटीरियल प्रैक्टिस मैनों की लाइन्स हैं फिर आपको समझाना है कि सर फोर्थ सक्सेसिव स्टेज होती हैं सबसे पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन देखिए फिर उसके बाद क्या होता है ग्रोथ फिर होती है मेचोरिटी फिर होता है डिक्लाइन फिर आपको बताना है कि सर इंट्रोडक्शन में अगर हमारा प्रोडक्ट है तो हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ग्रोथ में अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है या बिजनेस है तो हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं राइट आइए देन पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक की अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास बहुत सारी हैं बी सी जी जी ई जो पिछली बार आ भी चुका है एग्जाम में देन हमारे पास आता है सर पी प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स एंड देन हमारे पास आता है ए डी एल आर्थर डी आर्थर डी लिटिल राइट ये जो पार्ट है इस चैप्टर का बहुत ही स्मार्ट पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट इस पार्ट में आप लोगों से सवाल जवाब किए जा सकते हैं सर केस बेस्ड यस केस बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और पिछले दो चार बार के आप पेपर अगर देखें तो बार बार क्वेश्चन आता है मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट्सेट्रा पे बीसीजी भी तो इन्होंने एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था आपका कह सकेंगे मेरी बुक है तो आप चैप्टर नंबर एट में जाएंगे जहाँ क्वेश्चन बैंक है उसी के फर्स्ट पेज पर पे यह क्वेश्चन भी है और मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था वहाँ आपको बताना पड़ रहा था कि कौन सा कैश क्या है कौन सा डॉग है एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो बी so, में एक तो आप मीनिंग पढ़िए इसकी इंपॉर्टेंस पढ़िए इम्पॉर्टेंस इन द सेंस आप इसके कैसे यूज़ करना है हाउ टू यूज इट पढ़िए एंड देन आप इसके पढ़िए डिसएडवांटेजेस ठीक है और साथ ही साथ सर वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहकर मैंने दे रखे हैं वो जरूर कर लीजिएगा जी ई लास्ट टाइम आ चुका है पिछली बार का सजेस्ट आंसर निकालिए जस्ट रीड इट ओके पी एम जी एम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पी एम जी एम के पता होने चाहिए कि कब मार्केट डेवलपमेंट होती है और जब पी एम जी एम पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर फोर में आप एक्सपेंशन स्ट्रेटजी साथ रख के पढ़ें वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी और अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे राइट right? सो so, ये रहनी चाहिए स्ट्रेटजी। आइए मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ये रहा सर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद यू हैव टू स्टडी बी ये सारी पोर्टफोलियंस टेक्निक्स हैं बी में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए देन वी हैव इलेक्ट्रिक मॉडल इलेक्ट्रिक मॉडल बच्चों में सजेस्ट करूंगा आई सी ने ओवर द टाइम इसका टेक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया है सर आप सजेस्टेड आंसर से पढ़िए सजेस्टेड आंसर जो लास्ट टाइम का सजेस्टेड आंसर है आप उससे पढ़िए देन हमारे पास है पी एम जी एम पी एम जी एम बच्चों के आपका बुक है तो ये प्लीज़ प्रिंटिंग एरर है आप इसे डिलीट कर दीजिएगा ये दो बार लिखा गया था यहाँ पे एक बार और यहाँ पे भी दूसरी बार तो आप इसको प्लीज़ डिलीट कर दीजिएगा ठीक है एंड देन हमारे पास सर uh, ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ पास फाइनली आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स आ जाता है दैट्स इट दिस इज चैप्टर नंबर थ्री आई होप मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाया इस चैप्टर का और भी आगे से जरा जर एक बात बहुत ध्यान सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से दूसरी बात अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो ना लाइक हो तो अभी चैनल पे हो अभी सब्सक्राइब करो तीसरी बात सर डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू शेयर दिस चैनल विद ऑल दी सी स्टूडेंट्स एंड स्पेसिफिकली दोज हु आर इन आई सर हम लोग मिल साथ चलेंगे तो ही ग्रो कर पाएंगे राइट और इंपॉर्टेंट बात Uh, अब हम लोग इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर का भी ओवरव्यू लेंगे बहुत जल्दी ही आई होप ये ओवरव्यूज आपको मदद कर रहे हैं और कुछ और भी अगर चीज़ होगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो राइट चलिए थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट स्टे कनेक्टेड स्टे हेड जय हिंद